जिला प्रशासन ने 6 दिसंबर के मद्देनजर पूरी तैयारियां कर रखी हैं। एसपी संजीव त्यागी खुद पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि जिस तरह से अभी तक बिजनौर वासियों ने भाईचारा कायम रखा है, उम्मीद है ये भाईचारे की कड़ियां कभी टूट नहीं पाएंगी और भविष्य में भी ये भाईचारा इसी तरह कायम रहेगा। प्रशासन ने माहौल खराब करने वाले लगभग 150 से भी ज़्यादा लोगों को निगरानी में ले लिया है। प्रशासन ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय से शौर्य और काला दिवस न मनाने की अपील की है। प्रशासन ने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा कड़ी कर दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। निकालना नहीं, बार बार मारते लगातार एक सांस जब तक मैं रखो तब तक फूंकते जाओ। रुको चलो फूंक रुको। जनपद बिजनौर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जनपद वासियों से अपील करने के लिए अलग अलग कस्बों में आज फ्लैग मार्च किया गया है। लगातार बैठकों का दौर भी यहां रखा गया था। आज रात में पुलिस मित्र भी सक्रिय रह के जगह जगह पे ड्यूटियां देंगे। पिकेट पेट्रोल की ड्यूटियां पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर दी जाएंगी और पिछले पूरे साल में इस जनपद के लोगों ने समझदारी का परिचय देते हुए कानून व्यवस्था को कायम रखा है। आने वाले समय में भी इसी तरह से बिजनौर पुलिस को इनका सहयोग मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ हम ये संपर्क और फ्लैग मार्च करने में लगे हैं।